Hello everyone, basic maths, addition and subtraction of polynomials. अब हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से हम पॉलीनोमियल्स का करते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में जो हमने काफी बेसिक वीडियो बनाई थी उसमें हमने आप लोगों को समझाया था कि किस तरीके से हम लोग पॉलीनोमियल्स को ऐड करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिएगा, पहला सवाल आप लोग देखिएगा, इस बार आपको एड भी मिलेगा और सब्ट्रैक्शन साथ में मिलेगा, ठीक है। देखिए कैसे, आपके पास है 2x माइनस 3y प्लस 1, यहां पे है 6x माइनस माइनस 3 का प्लस कर देते हैं y और प्लस का कर देते हैं 7, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, पहले देखिए किस तरीके सोल्व करते हैं। मैंने आपको बताया कि पहले हम लोग x टर्म वाले ले लेते हैं अलग, y वाले लेंगे अलग, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो लेते हैं अलग, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप पिछली वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। चलिए, तो 6 ये देखो x यहां पे भी है बेटा और x यहां पर भी है, तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपका 6x स्क्वायर होता तो फिर आप इन दोनों को ऐड नहीं कर पाते, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो अलग अलग हो जाएंगे ना। तो आप फिलहाल देखिएगा, ये 6 और प्लस, तो कितने हो गए बेटा, प्लस के 6 प्लस के 2 हो गए 8x। इस बार देखिए, अब हमारे पास y का नंबर आएगा, y में हमारे पास माइनस के 3 हैं, आप लिख लीजिएगा माइनस का 3 है और बेटा प्लस का क्या है आपके पास 1 है, ठीक है। अब आप ये देखो कि माइनस के ज्यादा है और प्लस के कम है। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर ये देखो माइनस का 1 होता और माइनस का ही 3 होता तो ये ऐड हो जाता। यहां पर ये याद रखना होगा कि जब दोनों माइनस के होते हैं तब भी ऐड होते हैं, दोनों प्लस के होंगे तब भी क्या होंगे बेटा, ऐड होंगे। लेकिन जब प्लस के होते हैं तो आंसर प्लस में आता है और अगर माइनस के हैं तो फिर आंसर माइनस में आता है, ठीक है। एक चीज और समझिएगा, अगर अलग अलग हो जाता है कि अगर माइनस का 3 हो और प्लस का 1 हो तो फिर बेटा देखिए दोनों वैल्यूज अलग अलग है ना। देखो ये माइनस का साइन है, वो प्लस का साइन है, जब दोनों साइन अलग अलग हो जाते हैं तो हमेशा वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा, जो सवाल होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन आंसर आएगा जो साइन बड़ा है। यानी कि देखिए आप लोग, इसमें ना माइनस के साइन बड़े हैं ना बेटा, प्लस के कम है, तो आप यहां 2 तो बचेगा लेकिन कैसा बचेगा, माइनस का। सर प्लस का कब बचेगा, अगर देखो माइनस का 1 हो और प्लस का 3 हो, इस कंडीशन में क्या प्लस के ज्यादा है माइनस के कम है, तो यहां पर 2 बचेगा आपका प्लस का। ये याद रखो, ये नहीं कि आपको आता है नहीं आता, नो मैटर, यहीं से आप सीख लेंगे। जब आप इन सालों करेंगे तो मैं आपको हर बार बताऊंगा क्यों उसे हम ऐड कर रहे हैं, क्यों उसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या रीजन रहा, ठीक है। तो फिलहाल आप समझिएगा, अब हमारे पास 1 है प्लस का, माइनस के हैं 3, तो देखिए कंडीशन कौन सी चल रही, माइनस 3 प्लस 1 यानी कि माइनस का 2 बचेगा, भाई वैसे भी तो माइनस ही ज्यादा है ना, तो माइनस का 2y लगा देना। अब कांस्टेंट वैल्यू को अलग सॉल्व कर लो, ये है प्लस का 7, ये है प्लस का, जब दोनों प्लस प्लस के साइन होते हैं तो दोनों वैल्यू ऐड हो जाती है और वैल्यू प्लस में आती है, तो 718 हो गया आपका, 71 और टोटल हो गया 8, ठीक है। ये हो गया आपका पहला, काफी इजी सवाल अभी मैं देऊंगा, फिर देखते हैं इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे नंबर 2 पे। ये है आपका बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8, इस तरीके से दिया हुआ है, उसको बोल देगा सिंपलीफाई करो। तो इस बार क्या है, एडिशन भी हो रहा है इनमें और सब्ट्रैक्शन भी दोनों लग जाएगा। बाकी फिर आगे वीडियोस में क्या करेंगे, ऐड वाला सवाल करेंगे कि जिसमें हमें दो आपको पॉलीनोमियल दिए होंगे उनको ऐड करना है और फिर सब्ट्रैक्शन भी उस तरीके से समझेंगे। तो देखो पहले इसमें जो वैल्यू बड़ी है वो क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो आप यहां देखिए ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये 6 बार है और ये कितनी बार है, केवल एक बार है, तो 6 और 1 कितना हो गया 7x स्क्वायर, ठीक है। अब और देखिएगा, ये है माइनस का 10, ये है माइनस का 1, टोटल कितने हो गए माइनस का 11, नहीं आया समझ में, समझ लीजिएगा अभी मैंने क्या कहा। देखो माइनस का 10 लिख लीजिएगा, एक्स तो आएगा आएगा भाई, यहां भी एक्स है यहां भी एक्स है, एक्स तो सिंपल कंपलसरी आएगा, लेकिन यहां पर माइनस 10 है, माइनस का 1 माना जाएगा, तो जब दोनों साइन सेम होते हैं ना तो कंडीशन हमेशा ऐड की होगी। लेकिन याद रखना, अगर प्लस के होते हैं तो आंसर प्लस में और अगर दोनों माइनस के हैं तो वैल्यू हमेशा माइनस में, तो माइनस का 11 हो गया। और देखिएगा इस बार देखो, माइनस का 8 तो आ रहा है लेकिन ये क्या माइनस का 1 है, नहीं ये प्लस का 1 है, तो आप देखो जब साइन अलग अलग हो जाएंगे तो वैल्यू हमेशा घटेगी घटेगी और घटेगी, तो यहां पर हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो वही बेटा 7 बचेगा, लेकिन
बचेगा कैसा, माइनस का। वेरी गुड, माइनस 7, ये आपका आंसर आ गया। नंबर 3 क्वेश्चन अब हम लोग चेक करेंगे क्या है नंबर 3 में। नंबर 3 ये है आपका बेटा 2x² - y + 6y - x² + 10। चलो इस तरीके से करके देखते हैं। आपको सबसे पहले ना मतलब लाइक टर्म्स अलग करने होते हैं। लाइक टर्म्स किन्हें कहते हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा लाइक टर्म्स किन्हें कहते हैं। लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं, ठीक है, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं। मतलब क्या होगा, अगर हमने एक्स वाई लिखा तो हम अब सारे टर्म्स एक्स वाई वाले लेंगे तो लाइक टर्म्स बन जाएगा। जैसे मैंने यहां पे 3 लिख दिया, यहां पे 4 या इससे बड़ा, तो ये अभी भी लाइक टर्म्स रहेंगे क्योंकि आप पावर देख लीजिएगा, x की पावर 1 है, y की 1 है, तो यहां पे देखो x y की पावर 1 1 है, तो इसलिए ये टर्म्स हो जाएंगे लाइक टर्म। अगर हमें इन्हें अनलाइक बनाना हो, देखिए ये अब देखिएगा, अब आप बताइएगा क्या ये तीनों टर्म्स लाइक हैं? तो आप कहेंगे सर नहीं है, देखिए क्योंकि यहां पे y का स्क्वायर है, यहां पर है ही नहीं, यहां पे x का स्क्वायर है, तो ये आपकी अलग कैटेगरी, ये आपका अलग कैटेगरी, ये अलग कैटेगरी। जब अलग अलग कैटेगरी आती है तो आप उनको ना तो कभी ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड करने में और सब्ट्रैक्ट करने में ध्यान रखना है कि आपको लाइक टर्म्स चाहिए, ठीक है। और लाइक टर्म्स किन्हें कहते हैं, जो बिल्कुल सेम हो। जैसे आपका ये एक्स है तो यहां भी एक्स हो, फिर यहां भी एक्स हो, डजंट मैटर कि यहां पे आप 100 लिख लो, चाहे माइनस का 8 लिख लो, चाहे 10 लिख लो, उससे मैटर नहीं करेगा। मैटर करता है कि जो इनकी पावर्स है वो सेम होना चाहिए। अगर मैं यहां में 1 में भी क्यूब लगा दूंगा तो फिर ये तीनों ही जो है अनलाइक टर्म बन जाएंगे। ये तो खैर दोनों लाइक रहेंगे, लेकिन ये दोनों या ये दोनों अनलाइक होंगे। और अगर मैं यहां पे 5 कर देता हूं पावर, तो अब ये तीनों ही अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। और ये जितने टर्म्स यहां लिखे हैं ये भी सबके सब अनलाइक ही कहलाएंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो, इसे कहते हैं बेसिक मैथ्स। आपको ना बेस मैथ अच्छा करेंगे ना तो आपको फिर सभी प्रकार के सवाल समझ आएंगे। बेसिक आपका अच्छा होता नहीं है, सवाल करना शुरू कर देते हैं आप 9, 10, 11, 12 के, तो इसीलिए आपको हमेशा छोटी छोटी गलतियां होती हैं। यही नहीं पता है कि -8 × -4 ये -12 होने वाला है या -8 - 4 की प्लस का 12 होने वाला है, आपको ये निश्चित नहीं होता। तो इन चीजों को समझो, यहां पर कोई गुणा का मार्क नहीं है, तो जब गुणा नहीं है तो माइनस माइनस तो फिर भाई अब ऐड हो जाते हैं लेकिन रहेंगे माइनस के। लेकिन जब मल्टीप्लाई का साइन होता है ना बेटा, तब ये माइनस माइनस प्लस बन जाते हैं, लेकिन तब 12 भी तो नहीं आएगा, तब आएगा आपका 8, 4 = 32। मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए फिर, अगर वो आपको जो रूल पढ़ाया गया है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो वो यहां पे याद रखना है कि मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, उनके आपस में मल्टीप्लाई होना चाहिए, तब ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अन्यथा जब यहां पे कोई बीच में है ही नहीं तो ये तो इस प्रकार से हो गया ना बेटा कि 8 लड़कियां और 4 लड़कियां, टोटल कितने उनको जी 12 लड़के हो गए, ऐसे कैसे हो गए, जो लड़के रहेंगे ना तो फिर माइनस माइनस ही रहेगा। ये छोटी छोटी चीज आप ध्यान रखो, बाकी आप जैसे जैसे सवाल बढ़ते चलेंगे जो नॉलेज होगी हम आपसे शेयर करते चलेंगे। चलियो सोल्व करिए भैया इनको। x स्क्वायर ये रहा। समस्या क्या है, यहां पे 2 यूनिट है और वहां पर बेटा हमारा कितने यूनिट है, 1 यूनिट है। तब आप मुझे बताइए 2x² में से अगर 1x² चला गया तो क्या बचेगा, क्या बचेगा बताइए, 1 ही बचेगा ना, 1x² बचेगा, ठीक है भाई। 2 में से 1 गया, 1 ही बचेगा, प्लस के 2 ज्यादा है, माइनस का 1 कम है। तो आप देखिए जब भी यहां पर अलग अलग साइन हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, सॉल्व को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आंसर आएगा वो आपका प्लस में आएगा। बताओ क्यों, क्योंकि प्लस के ज्यादा थे। अगर सपोज करो ये प्लस का होता और ये माइनस का होता तो फिर वैल्यू माइनस की बनाती, ये याद रखना है आपको। चलिए अब आप देखो वाई वाई देखो, ये रे वाई वाई, अब वाई कितने हैं, प्लस के 6, प्लस के ज्यादा, माइनस के 1, ये कम है, तो सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन बचेगा प्लस का 5 और वाई लगा देना इस बार 5y और बस यहां पे कांस्टेंट वैल्यू एक ही है 10, ये आपका आंसर है। तो कितना आसान होता है, इजी होता है, आप कर सकते हैं। और चलिए इसमें और कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा। 7xy - 2x² y - + 8xy - 5x² y, ये है आपका क्वेश्चन इस बार। ये काफी इजी क्वेश्चन है, बस समझने की जरूरत है। ये नहीं आप देखो सभी में xy आ रहा तो आप सबको ऐसा नहीं, देखिए बेटा ये xy है ठीक है, लेकिन ये x² y है, तो ये अलग है और ये अलग है, लेकिन देखो ये भी xy है और ये भी xy है। कंडीशन क्या हुई,
कि भाई ये भी प्लस का 7 है और बेटा ये भी प्लस का, और जब दोनों साइन सेम रहेंगे सवाल हमेशा वो ऐड होगा लेकिन उत्तर वही रहेगा जो साइन लगे हुए हैं, कहते हैं प्लस। तो 8 + 7 = 15 ये हो जाएगा आपका एक्स वाई। अब यहां माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है, देखते हैं क्या आएगा, चेक करेंगे। बेटा ये देखिएगा एक्स स्क्वायर वाई है, ये भी तो एक्स स्क्वायर वाई है, तो इन दोनों को भी हम आपस में ऐड कर सकते हैं। पहली कंडीशन सुनिए, अगर यहां पर ये एक्स वाई होगा मतलब यहां एक्स वाई स्क्वायर होगा तो फिर ये आपस में दोनों ना तो ऐड हो सकते ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते। चलिए अब एक कंडीशन इसमें क्या नजर आई, भाई माइनस के ही 2 दिए हैं और माइनस के ही 5 दिए हैं, तो जब दोनों साइन सेम होते हैं प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो तो सवाल हमेशा ऐड हो जाता है और वैल्यू आएगी जो साइन दोनों सेम है ना बेटा, जैसे जैसे साइन दोनों माइनस के हैं तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 7x²y। बताओ समझ में आया नहीं आया, आया होगा, चलिए ठीक है अगला सवाल देखते हैं। पहले से नोट करिए आप, जी हाँ, अब हम नंबर 5 ऐसा करते हैं, 5th सवाल जो है आपको रिवीजन के लिए दे देते हैं, ठीक है, तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, यहीं से लिख देते हैं। नंबर 6 ये है आपका बेटा 2x - 3y + 8x + 10y - 3, इसको सोल्व करना। नंबर 7 भी देख लीजिएगा, नंबर 7 है 8xy - 2x²y + 9x²y - 3xy, ठीक है, आप इनको सोल्व करें। ये जरूरी नहीं है कि इसी तरीके का सवाल मिलेगा xy। देखो सवाल किसी भी टाइप का क्यों ना हो आपको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए, यहां पे कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा ध्यान रखना, यहां पे कोई डिवाइड नहीं होगा, बस केवल प्लस माइनस का आपका समायोजन होगा, तो जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप ऐड कर लेना, जो अनलाइक टर्म्स हैं उनको सेम छोड़ देना, बस इतना सा ध्यान रखना है। नंबर 8 देखिएगा, नंबर 8 है यहां पे x³ + 2x²-7x³ + 2xy - 3 + 4x²। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बड़ा टर्म कौन सा है, ये नहीं हुआ कि ये 7 है इसलिए बड़ा है, नहीं, बड़ा बेहतर ये इसलिए है, देखो यहां पर भी x का क्यूब हाईएस्ट है और यहां भी x का क्यूब हाईएस्ट है, तो अब हम पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे। देखिए आपके पास प्लस का तो 1 है भाई, इसे 1 मानते, मैंने कहा जिस नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा वो 1 मानना होगा, और यहां पर बेटा क्या मानेंगे, माइनस का 7। सबसे पहले तो देखो अलग अलग साइन है, जैसे ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो मान लीजिएगा सवाल आपका सब्ट्रैक्ट होगा, तो 7 में से 1 = 6 बचेगा। अब ये देखना है कि माइनस का है या प्लस का है, साइन देखो किसका बड़ा, देखो माइनस के 7 ज्यादा थे ना, तो बेटा माइनस के 6 बचेंगे, चलो कितना बच गया बेटा -6x³। अगर सपोज करो ये प्लस होता और ये माइनस होता तो फिर क्या करते भाई, प्लस का 7 में से माइनस का 1 गया तो फिर प्लस का 6 बचेगा ना, तो फिर प्लस का 6 बचेगा, ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे बस। चलो अब हम कहां पहुंचे, अब स्क्वायर का आ जाते हैं, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो 4 और 2 हो गए बेटा आपके 6x². एक्स वाई वाला टर्म देखो इसमें कहीं नहीं है, केवल एक ही टर्म है, तो आप इसको लिख लो 2xy और बेटा माइनस का वाई 3, क्योंकि 3 इसमें और कुछ है नहीं, ये इसे बोलते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसमें कोई एक्स वाई नहीं है, तो ऐसा कोई टर्म नहीं बेटा इसमें जिसमें एक्स वाई ना हो, ठीक है। चलिए 9th देखिए, अब आप 9th जो है ये है -4x³-2x³-3-10 + 10x⁵ - की जगह कर देते, फिर माइनस कर लेते हैं 6 कर देते हैं इसको और प्लस कर देते हैं 7x³, इसको भी आप सोल्व करके देखेंगे, ठीक है ना। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ये भी देख लीजिए, सिंपल इजी, कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐड करना सीखना है, अगर आप सीख सकते हैं तो फिर अच्छी बात है। जैसे देखिए 3x है, ये 2y है, प्लस का 8 है, अब इसी में उसने कहा पे ऐड कर दीजिएगा x - 2y + 10, इसको ऐड करना सीख लेते हैं।
देखो इसको ऐड करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखो एक्स वाले टर्म यहां अलग अलग करने होंगे, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तीन और एक हो गया बेटा चार, तो इसे लिख देंगे फोर एक्स। वाई का खेल देखिएगा, आपके पास प्लस के दो हैं और बेटा माइनस के दो हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि भाई प्लस माइनस में सवाल घटेगा, लेकिन आप ये देखें ना प्लस के दो में से माइनस के दो गए जीरो बचे, तो इस तरीके से आप इनको तो इसे तो यही ऐसे कैंसिल कर देना, ठीक है। अब आपके पास प्लस का एट बचा, प्लस का टेन बचा, ओहो प्लस का टेन बचा, बताओ क्या करोगे इसमें, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या? नहीं, सब्ट्रैक्ट कब होता है जब प्लस माइनस यानी कि दोनों अलग अलग होने चाहिए, अगर सेम है तो कंडीशन ऐड होगी, अगर वो दोनों प्लस के हैं तो प्लस में आंसर आएगा, दोनों माइनस के हैं तो माइनस में आंसर आएगा। वेरी गुड, तो यहां पर प्लस का 18 कर देते हैं, अगर मैं यहां पे माइनस 8 कर देता हूं तो फिर देखिए प्लस के 10 में से माइनस के 8 गए 2 बचेगा, तो फिर यहां पे आप 2 लिख देना, सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना, आराम से आप सवाल समझ सकते हैं। क्या कह रहे हो सर जी प्लस ही कर लो, लो भाई प्लस ही कर लो आप, 18 कर लीजिए। तो फिर नंबर 11 देख लो, 3p जरूरी नहीं है कि x में मिलेगा, p भी मिल सकता है, 2q माइनस वन फिर कर दिया है, प्लस का 6q माइनस का 10p प्लस माइनस, चलो ऐसा करते हैं इसको प्लस का 18 कर लेते हैं, ये तो बड़ा इजी सवाल हो गया, इसको तो आप ऐसे ही सोल्व कर लोगे आराम से, नहीं कर लेंगे देखिए कैसे करेंगे, चाहे तो आप पोस्ट करके अपने आप सोल्व करके देख सकते हैं, फिर उत्तर आप आंसर मैच कर लेना। देखिए यहाँ पे पी है बेटा, पी कितने हैं 3, और यहाँ पे पी है कितने हैं बेटा पी, यहां पर तो प्लस के 3 है लेकिन यहां पर बेटा माइनस के हैं, तो अब आप ये देखो प्लस माइनस होने पे क्या होता है, क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है, तो सब्ट्रैक्ट होने पे वैल्यू प्लस की भी आ सकती है और माइनस की भी आ सकती है, प्लस के ज्यादा लग रहे हैं माइनस के ज्यादा लग रहे हैं, तो फिर वैल्यू माइनस की होगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 7p। चलिए अब क्यू पे आएंगे, क्यू के बेटा 2 ये रहे 6 ये रहे, दोनों ही प्लस के हैं, देखो ये भी प्लस का और ये भी, जो नंबर जैसे ये हमें वेरिएबल चेक करना है तो इससे पहले देखो कौन सा साइन है, प्लस का है ना तो प्लस माना जाएगा, इससे आगे वाला कभी नहीं देखेंगे, इसके लिए ये वाला साइन यूज होगा, कभी आप कंफ्यूज रहे, जो नंबर हम देख रहे हैं इससे पहला साइन देखेंगे, तो ये 6 प्लस में है और ये 2 भी प्लस में है, तो कितने हो गए टोटल बेटा 6 और 2 हो गए 8 क्यू, और अब आप देखो प्लस के 18 है माइनस का 1 है, कोई बात नहीं 17 बन जाएगा, और बेटा माइनस का है प्लस का बता दीजिए, प्लस के ज्यादा है ना बेटा, तो फिर प्लस में आंसर आएगा, अगर ये प्लस 1 होता और वो माइनस 18 होता, अगर ये प्लस 1 है और ये माइनस 18 है, तो अब आप देखो माइनस के बड़े होते और प्लस के कम, तो फिर यहाँ पे आप बेटा माइनस 17 कर देते, इतना आसान सवाल है, बिल्कुल इजी सिंपल एजी बेस पे क्वेश्चन है। देखिएगा अगर आपके पास 7x हो प्लस 4y हो माइनस के साथ 10 हो और फिर प्लस में आ जाए आपके पास 10y हो रहा जाए और माइनस के हो जाए 20x, इसको आप सोल्व करके देखेंगे, ठीक है ना। अब आप इधर नोट करिए, पहले उम्मीद है अब आपको समझ में तो खैर आ गए होंगे ना। नंबर 13 देखिएगा, ये है x की पावर 3 माइनस 7x² माइनस में हम कर देते हैं xy कर लेते हैं, चलो xy प्लस 3x की पावर 3 प्लस 4x² माइनस 4, चलो इसे सॉल्व करते हैं। आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, कितना भी इजी हो कितना भी हार्ड हो डजंट मैटर, आपको तरीके पता होना चाहिए, बीच में कहीं भी देखो मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं आ रहा है, आपको सिंपल बस टर्म एक जैसे लाइक टर्म्स को अलग मिला के लिख देना है और जो नहीं है उनको अलग छोड़ देना है, इतना सा काम करना है, जैसे x का क्यूब ये रहा x का क्यूब ये रहा, और बेटा देखो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो दोनों प्लस के 4 हो जाएंगे और क्यूब सेम रहेगा। अगर सपोज करो ये हम माइनस का क्यूब कर देते भाई, माइनस का एक्स का क्यूब कर सकते थे इसको, तो फिर बेटा ये 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता 2 बच जाता, लेकिन अभी फिलहाल हमने ऐसा नहीं किया है, ध्यान रहे। अभी स्क्वायर देखो, स्क्वायर ये रहा, माइनस के तो 7 है बेटा और प्लस के कितने हैं 4, इस तरीके से सवाल करिए आप, तो आप देखो प्लस माइनस जैसे आपको देखिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा 3 बचेगा, लेकिन आप देखो कैसा बचेगा सर माइनस का, बताओ क्यों, क्योंकि माइनस के ज्यादा थे। चलिए एक्स वाई वाला टर्म इसमें कहीं हो तो बताओ, इसके अलावा नहीं है छोड़ दीजिए, माइनस 4 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कहीं कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसमें नहीं है ना, तो फिर माइनस 4 ही रहेगा, कुछ होता तो सोल्व कर लेते उसको, नो प्रॉब्लम। अब आप 14 और 15 सवाल आप खुद करेंगे, ठीक है ना, ये प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा।
14 भी और 15 भी। 14 देख लीजिएगा, ये है 7p माइनस 2q प्लस 10 माइनस 2q प्लस का 18p, और चाहो तो इसमें माइनस 3 भी कर लेना, चलो और आसान पड़ जाएगा। ये है 2x माइनस 3y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 3y। चलो इनको आप सोल्व करके जरूर चेक करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।